पीने जैसा है। डीसी मिनरल वाटर नेस्ले का पानी पीता है, एसी नेस्ले का, इंस्पेक्टर नेस्ले का पानी पीता है। ये लोग क्यों इंसान नहीं है? टैक्स नहीं देते, ये सारी खेड़ी बेदी करके लोगों को नहीं देते, गंदम देते हैं, कमान देते हैं, फुट्टी देते हैं, हर चीज देते हैं। ये लोग मर रहे हैं, घर डूब गए, अनाज डूब गया, सब चीज डूब गई, लेकिन ये हमारी हुक्मरान, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, ये बाला ऑफिसर लाखें करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, नजर नहीं आते भाई। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन अ बैग विद फहद। आप लोगों को सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी बुरे हालात से गुजर रहा है, यहाँ हर जगह पे फ्लडिंग हो रही है। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने कज़न और मामू के साथ उन जगहों पे विज़िट करूँ जहाँ जो एरियाज़ अफेक्टेड हैं और उनको इतना ज़्यादा लोगों की फंडिंग नहीं पहुँच पा रही। तो मैं आज आया हूँ मोरो और यहाँ आके मैं हालात देख रहा हूँ कि लोग को क्या हालात है। अभी जहाँ तक पता चला है कि लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ जैसे बड़े बड़े इदारे हैं उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। तो हमने सोचा एज अ फैमिली, मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान, हम लोग मिल के फंड्स इकट्ठे करेंगे और इन अफेक्टेड एरियाज़ में लोगों की हेल्प करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के हालात कैसे हैं और साथ रहिएगा प्लीज़। कोई भी जो है ना वडेरा जहाँ जो MP हैं वो कोई भी नहीं आता, नहीं हमको टेंट दिए, नहीं कुछ दिया है, अभी तक नहीं आए, पूछा नहीं है भाई कितना नुकसान हुआ, क्या गांव डूब गया आपका, कुछ क्या है, हेल्प करें आपकी, कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ बातें इलेक्शन के टाइम वोट लेके भाग जाते हैं। अभी जाओ ना उनके पास, यार हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमको कुछ भी नहीं मिला, छुपा देते हैं वो लोग। गरीब बंदे यार, ठीक हो तो यहाँ के रोड जो शहरा के अंदर मोरियाँ लगी हुई सरकारी वो खुलवाई जाए, नहरें खोली जाए। हमारा यही मुतालबा है। जो भी वडेरों ने अपने ज़मीन को बचाने के लिए, गाँव को डुबाने के लिए की हुए, हम बोलते वो बस निकालो, वो निकालो। सिर्फ वो मोरियाँ खुल जावे ना, सरकारी जो है नहरें वो खुल जाए तो हम इंशाल्लाह ताला हमारा गाँव बच जाएगा। हमारा यही मुतालबा है। असल बात है ये यहाँ का इस वक्त मोरो का सबसे बड़ा कैंप है। यहाँ खाना दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और ये यहाँ ऑलमोस्ट 300 फैमिलीज़ इस वक्त हैं और ये एक स्कूल के अंदर कैंप है और यहाँ पे वो फैमिलीज़ हैं जिनका घर पूरे तरीके से डूब गया है और ये लोग ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो यहाँ उनका टेक केयर किया जा रहा है। वो बढ़ाओ, ये देख रहे हैं आप सब मेरे साथ जो बच्चे हैं इस वक्त, इनको शदीद किस्म की जो है मेडिकल नीड्स हैं। यहाँ दवाइयों की शॉर्टेज है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ मॉस्किटो नेट्स की ज़रूरत है, यहाँ पे मॉस्फिल की ज़रूरत है और यहाँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो हमें डॉक्टर्स चाहिए ताकि इन बच्चों को सपोर्ट किया जाए। हम यहाँ पे सिर्फ इनको फूड और मेडिसिन की भी एक दिन की कैंप लगाई हमने, जो हमारे पास अवेलेबल थी मेडिसिन। वो भी एक दोस्त था, वो कराची से लेके आया था, कराची का ही बंदा था, डॉक्टर है कराची में, नदीम लांगा, वो वहाँ से आया था अपने साथ डॉक्टर्स लेके, मेडिसिन लेके। उसने कल यहाँ पे कैंप लगाई थी और फूड हम 2 टाइम से यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हमारे जो शहर वाले साथ दे रहे हैं, जो भी है अपनी मदद आप। डॉक्टर हैं, डॉक्टर 2-3 अवेलेबल हैं, डॉक्टर बीमार हो गया ना, इसमें ये गंदे पानी के नहीं है जो हमारे मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के। बाकी वैसे तो डॉक्टर्स की वैसे ही शॉर्टेज तो है सिंध में। मिनिमम आप हमें 1 वीक के डॉक्टर्स थे, उनको हम राइस खाना पीना भी देंगे और वहाँ पे 1 हफ्ता पूरा कैंप लगाएं। वो हम आपको हॉस्पिटल कन्वर्ट करके दे रहे हैं ना, पूरी फैसिलिटीज़ देंगे आपको, राइस भी देंगे, सब चीज़। वहाँ पे बेड्स भी हम रखेंगे, कोई पेशेंट एमरजेंसी में, ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे। ये सिविल हॉस्पिटल है सामने और आप अंदर देख रहे हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है, 3 से 4 फुट अंदर पानी है। पानी के सूरत हाल देखी, बच्चों को देखा, खाना बटते हुए देखा और क्या लोगों को मसले हो रहे हैं वो देखे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप क्या समझते हैं कितनी बुरे हालात हैं यहाँ के और हमारी गवर्नमेंट को और बाकी इदारों को, लोगों को ऑन इंडिविजुअल लेवल क्या करना चाहिए? यार जो यहाँ पे आके हमने देखा है तो यहाँ गवर्नमेंट तो है ही नहीं, लग ही नहीं रहा यहाँ गवर्नमेंट का नाम की कोई चीज़ है। आपने भी देखा कि लोग जो हैं वो रोड पे किस तरह सड़कों पे आए हुए हैं और बिल्कुल कुछ भी नहीं है उनके पास, खाने को कुछ नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही आपस में मिलजुल के इनके कैंप लगाए हुए हैं और ख़ुद ही पैसे जमा करके उनको खाना बना के दे रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है। ना यहाँ पे कोई दूसरी तंजीमें पहुँची हुई हैं, कोई भी नहीं है। आपने पूरे रास्ते देख लिया कि कोई भी तंजीम यहाँ पे नहीं है, लोकली ये लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। तो यहाँ जो देखा है वो ज़्यादातर जो चीज़ सामने आ रही है कि अब बारिशों का तो टाइम निकल गया, मगर जो अब बीमारियाँ आ रही हैं उसके लिए इनको जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो इंतहा से ज़्यादा है, बहुत शदीद ज़रूरत है इनको। मेडिसिन नहीं है इनके पास। हम जहाँ जहाँ गए, जिन से हम मिले, जिन बच्चों को देखा या बड़ों को देखा, उनमें कोई ना कोई बीमारी आ रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लोग कर सकते हैं वो मेडिसिन के लिए करें। अगर वो किसी ग्रुप को जानते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके थ्रू कर लें। ख़ुद आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ, ख़ुद देखें, ख़ुद करें, बहुत अच्छी बात है। अगर ख़ुद नहीं आ सकते, अगर वो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो हम मेडिसिन भी करेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। तो अगर वो हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो वो हमारे थ्रू कर दें, हम मेडिसिन लेकर आएंगे। कपड़े यहाँ पे बच्चों को, औरतों की बहुत शदीद ज़रूरत है, वो देना चाहें, पुराने कपड़े दे दें, वो यहाँ पे पहुँचा दें, ख़ुद पहुँचा दें, हमारे ज़रिए पहुँचा दें, तो शदीद ज़रूरत है। पहले तो मैं ख़ुद ये कहूँगा कि भाई अगर आप लोग आ सकते हैं तो आके ख़ुद देखें कि किन हालात में ये गुजारा कर रहे हैं। पूरा दिन आज यहाँ मोरो में और इसके आसपास के इलाकों में हमने स्पेंड किया है। ड्रोन शॉट्स आपने देख लिए हैं, ऐसी ऐसी जगहें जहाँ जाया नहीं जा सकता, और ऐसी ऐसी जगह भी हैं, ऐसे ऐसे घर भी हैं जहाँ लोग स्टैंडर्ड हैं, उधर ही फंस के रह गए हैं। इस तरह के बच्चे जो हैं या आदमी पूरा इस गंदे पानी में से स्विम करते हुए खाना या कोई भी रोज़मर्रा की चीज़ें लेके आगे पीछे जाते हैं। तो बहुत बुरा हाल है। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए जो इस वक्त लोगों का यहाँ पे हाल है। तो बस अब आप लोगों से सबसे यही, जैसे मैंने पूरी वीडियो में थ्रू आउट यही बोला है कि आप लोग भी आएँ, एफ़र्ट्स करें, और हर एले मेले अरे गैरे को यार डोनेशन ना दो, खुदा का वास्ता। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी हैं, इतनी शर्म और गैरत नहीं है लोगों के अंदर कि सही जगह पे पैसे लेके लगाएं भी। तो इंडिविजुअली तौर पे आप लोग निकलें, देखें कौन सही है उनको दें। अगर वो भी नहीं आपसे कह जा सकता, आपका इतना टाइम नहीं है, जो सैलानी वाले हैं वो कौन से वाले हैं, JDC वाले हैं, ये बड़े हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, इनको दें, सही है। और अभी इंशाल्लाह ये मोरो में भी हम काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ अब हम मेडिसिन सप्लाई करेंगे, स्पेशली हमारा जो फोकस होगा खाने पे और मेडिसिन पे होगा, यहाँ के जो लोग हैं उनको देने के लिए, उनको सप्लाइज़ पहुँचाने के लिए। तो इस वीडियो में नीचे मैं नंबर छोड़ दूँगा ताकि हम जो हैं मिल के मोरो में और इसके आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मेडिसिन और खाना पहुँचा सकें, सही है। तो आई होप इससे आप लोगों को भी मौका मिले कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद भी आएँ, विज़िट करें और यहाँ लोगों की मदद करें, चाहे वो फाइनेंशियल ज़रिए से हो, चाहे वो अपने हाथ से ख़ुद वॉलंटियर करके हो। खुदा हाफ़िज़।